الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع المبتحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور فالواشرف منه يا سيدي خير النبي أنت أم النم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي नाज शरीफ पेश करने के लिए शेख अयान रेहान तशरीफ लाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नबी, मेरा नबी है वो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हाँ मेरा नबी है वो, मेरा नबी है वो, जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दोस बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दोस बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, अल्लाह कबर मालम नसरोल कसदराक मनसूब जी से वरफाना रिकराक अल्लाह कबर मालम नसरोल कसदराक मनसूब जी से वरफाना रिकराक जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, अहमद है मोहम्मद वही गते में रसूल है, अहमद है मोहम्मद वही गते में रसूल है, मखदूब मुरब्बी है वही वाली कुल है, मखदूब मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। बयान पेश करने के लिए मोमिन कैफ जमील तशरीफ लाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातहू। نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इससे पहले मैं कुछ अर्ज करूं, आप लोग समात फरमाएं। आए हम और आप मिलकर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। आज मैं आप तमाम के सामने जो तकरीर पेश करने वाला हूं इसका उनवान है गाली एक खतरनाक गुनाह है। فقال النبي سباب المسلمون गाली देना फांसी की यानी गुनाह है। गाली फाश गोई है यानी बेहुदा और गंदी बातों को कहते हैं। इसी तरह ऐब जोई, इल्जाम तराशी, लान तहन वगैरह ये सब गाली के मज़मूओं में शामिल है। فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है फासिक लोगों के अलावा कोई भी हलाक ना किया जाए। आए एक वाक्य सुने और इरबत हासिल करें।
एक शख्स हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गालियाँ दे रहा था, नऊज़ु बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए थे, आप तहज्जुब करते रहे और मुस्कुराते रहे। जब इसने ही ज़्यादा कुछ बुरा भला कह दिया तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसके किसी बात का जवाब दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए और वहाँ से उठ खड़े हो गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे जाकर मिले और फरमाने लगे, ए अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो मुझे गालियाँ दे रहा था और आप वहाँ बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया, बात यह नहीं है कि तुम्हारे पास एक फरिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, जब तुमने इसके किसी बात का जवाब दे दिया तो वहाँ शैतान आ गया और जहाँ शैतान आ जाए वहाँ हम नहीं बैठते। इससे ये मालूम हुआ कि अगर किसी से गुफ्तगू हो जाए अब वो गाली गलौज पर उतर आए तो ऐसी सूरत में इसकी गाली का जवाब गाली ही में ना दिया जाए बल्कि खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। गाली एक ऐसा गुनाह है जिसकी तरफ हमारा तवज्जो ही नहीं, बच्चे बड़े सब गालियाँ दे रहे हैं। अब तो लोग गाली को बुरा समझते ही नहीं। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो गाली देता है अल्लाह ताला इसको अपना दुश्मन बना लेता है। अगर कोई गाली देता है और अल्लाह से तौबा और माफ़ी नहीं मांगता तो अल्लाह ताला इसको काफिर मरने के बाद काफिर बना देता है। मेरे अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि गाली को, अस्सलामु अलैकुम।